स्वागत है दोस्तों रेल फैंस आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद फिर से और एक नया वीडियो लेके आया हूँ, एक बहुत ज़्यादा ताज़ा खबर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये है अबाउट कामाख्या टू न्यू बोंगाईगांव, जो कि वाया ग्वालपारा टाउन 176 किलोमीटर का जो कि डबल लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसी का एक पार्ट जो कि एक सेक्शन जो कि है मिर्जा से लेकर छोएगांव के बीच में, तो ये रिसेंटली जो कि है कमीशन हो चुका है, जो कि 15.558 किलोमीटर लॉन्ग का ये जो कि स्ट्रेच है। तो इसी लाइन के बारे में आज के इस वीडियो पर अच्छे से बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं जो कि है पिक्चर्स वगैरह अभी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स वगैरह जो कि है मैं आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगा स्क्रीन पर। तो इस वीडियो पे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग बने रहिए। वीडियो थोड़ा छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से जो कि है एक नया अपडेट आया था, तो ये 11 घंटे पहले एक एक्चुअली अपडेट दिया गया है। तो आज ये मैं विटनेस डे को जो कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो 3 जुलाई 2024 विटनेस डे। तो इसमें लिखा हुआ है फर्दर स्ट्रेंथनिंग द रेल इंफ्रा फॉर नॉर्थ ईस्ट, द 15.558 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड डबल लाइन सेक्शन बिटवीन मिर्जा टू छोएगांव स्टेशन वॉज कमीशन रिसेंटली। तो इसमें और एक बात लिखा गया है, जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बोला, दिस स्ट्रेच इज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग कामाख्या टू न्यू बोंगाईगांव वाया ग्वालपारा 176 किलोमीटर लॉन्ग डबल लाइन प्रोजेक्ट। तो कामाख्या से लेकर न्यू बोंगाईगांव तक वाया जो कि ग्वालपारा टाउन होकर रेलवे लाइन है, जो कि 176 किलोमीटर का डबल लाइन रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये जो कि है एक्चुअली इसी स्ट्रेच का एक जो कि पार्ट है, एक सेक्शन है मिर्जा से लेकर छोएगांव। तो इसी सेक्शन पर जो कि है न्यूली कमीशन हुआ है ये सेक्शन, तो 15 किलोमीटर लॉन्ग ये स्ट्रेच है। और इसी के साथ जो कि मैं आप लोगों को इस सेक्शन पर कौन से जो कि है सेक्शंस, जैसे कि बामोनी गांव हो गया, तो ये कब जो कि कमीशन हुआ है, तो इन सब के बारे में आप लोगों को मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर आप लोग अच्छे से बने रहिए। तो सबसे पहला बात जो कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग पिक्चर्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो पिक्चर्स में जो कि है आप लोगों को ऑनगोइंग स्टेटस पता चल रहा होगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ जो कि प्रीवियस सेक्शंस है जो कि कमीशन हो चुका है, जैसे कि बामोनी गांव से लेकर छोएगांव के बीच में जो कि 8 किलोमीटर लॉन्ग है, तो ये फरवरी 2024 में जो कि है ये कमीशन हुआ था। और उसके बाद फर्दर जो कि धूपधारा से लेकर बामोनी गांव जो कि 25 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच है, वो जो कि 17 अक्टूबर 2023 में एक्चुअली कमीशन हुआ था। देन मिर्जा टू हजारा तो 11.35 किलोमीटर ऑन May 3, 2023, बुडनोई टू डुबधारा 29.71 किलोमीटर जो कि 24 नवंबर 2022 में ये कमीशन हुआ था। सीआरएस का यह बताना है जो कि इसमें लिखा गया है, तो सुमित सिंघाल जी जो कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जी हाँ, तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की तरफ से जो कि सुमित सिंघाल जी है, तो उन्होंने जो कि है स्टेटरी इंस्पेक्शन किया गया है इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड लाइन का। और उन्होंने बताया है जो कि सेफ्टी ऑपरेशनल ऑफ पैसेंजर सर्विस हो या जो कि गुड सर्विसेज हो, तो इसीलिए इंस्पेक्शन किया गया है जो कि 27 जून 2024 में ही किया गया था, जो कि छोएगांव से लेके मिर्जा सेक्शन है। तो छोएगांव से लेके मिर्जा सेक्शन के बीच में 27 जून 2024 में जो कि इंस्पेक्शन हुआ। और उसके बाद जो कि घोषित किया गया जैसे कि ये लाइन में अभी पैसेंजर और गुड्स ट्रैफिक चलाया जा सकेगा। और इसी के साथ साथ जो कि अनदर माइलस्टोन कंप्लीट होता है फ्रॉम जो कि न्यू बोंगाईगांव से लेके कामाख्या हो या कामाख्या से न्यू बोंगाईगांव तक जो कि वाया ग्वालपारा टाउन इस सेक्शन पर जो कि एक नया फिर से माइलस्टोन अचीव हुआ है। तो इसी के साथ साथ जो कि है अभी डबल लाइन होने के साथ साथ ट्रेन्स और ज़्यादा फास्टली मूवमेंट हो सकेंगे। और साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में अगर बोलने जाऊँ तो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी बहुत जोरों शोरों से जो कि है चल रहा है अभी। तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी होने के साथ साथ जो कि इस लाइन पर वाया ग्वालपारा टाउन, तो विथ इलेक्ट्रिक लोको जो कि है फुल्ली विथ एनर्जेटिक स्पीड के साथ जो कि है एक नया एक्चुअली एरा स्टार्ट होने जा रहा है, एक नया इतिहास स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये जो कि हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा बात है, और जो कि आने वाले समय में जो कि पैसेंजर्स का समय बहुत ज़्यादा बचेगा। तो यही है आज का एक्चुअली अपडेट जो कि डबल लाइन के बारे में था, अबाउट द डबल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो यही एक छोटा सा अपडेट मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहा, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और फुल्ली जो कि डिटेल जो कि आर्टिकल है आप लोग को ऑन स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं जो कि मेन मेन पॉइंट्स है, मैंने उन सभी के बारे में सिर्फ इस वीडियो में
बोलना चाहा। और बाकी जो कि थोड़ा बहुत जो कि स्टेटमेंट्स है रेलवे का, तो आप लोग पढ़ सकते हैं खुद। तो आई होप आज का जो कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।